हाथरस भगदड़ में मारे गए 123 लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अंधविश्वास फैलाने वालों पर बड़ा हमला बोला। हाथरस के रामेश्वर दास अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज के एक प्रोग्राम में बोलते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि कुछ दिन पहले हाथरस में चरण रज के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हुआ। राज्यपाल ने लोगों को अंधविश्वास में नहीं पड़ने की सलाह देते हुए कहा कि इस तरह का भ्रम फैलाना मैं गुनाह मानती हूं और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाथरस में अभी एक घटना हुई, ये सब आपको पता है, हमें भी पता है। हम ऐसी बातें हमारी प्रजा के सामने न करें कि जिसकी वजह से ऐसे हादसा हो। भगवान तो है नहीं, भगवान ने हमारा सबका सर्जन किया है, और जब कोई ये बोलता है कि मेरी चरण रज ले लो, माथे लगाओ, तो आपका सब दुख दर्द पूरा हो जाएगा। क्या होता है बताइए ना मुझे? होता है? नहीं होता। अंधश्रद्धा बढ़ाना और ऐसी ऐसी बातें हमारे भक्त जनों के सामने करना, ये भी एक गुनाह है, और गुनाह के तहत उसको भी सजा होनी चाहिए। मैं मानती हूँ।